ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ इस तों बाद राहुल गांधी ने संसद विच नीट मुद्दे ते जिवें ही अपने विचार रखने चाहे तां लोक सभा स्पीकर ने राष्ट्रपति दे भाषण समय गल करन दी कही ते उन्हां नूं बोलण नहीं दित्ता गया इस तों बाद संसद दी कारवाई सोमवार तक लई मुलतवी कर दित्ती गई कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो तो हमें लगा कि यहां पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं के इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए हम रिस्पेक्टफुली करेंगे आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली क्योंकि ये युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले घबराए हुए हैं उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात तो ये आपको बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी पंजाब ने भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल ते जलंधर पछमी दे लोकां नाल धोखा करन ते उनां दे फतवे दा निरादर करन ते लोकां दी भलाई तों उपर अपने स्वार्थी ते गैर कानूनी कम्मां नूं पहल देण दे लई तिखा हमला बोलिया आप मंत्री अमन अरोड़ा ने जलंधर च प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं शीतल अंगुराल नूं पंज सवाल पुछे ने ते कहा कि उनां नूं इन्हां सवालां दे जवाब जलंधर पछमी दे लोकां नूं देने चाहीदे ने जलंधर वैसे दे पौने 2 लाख वोटर ने जिहड़े वह होर भी बेहतर तरीके दे नाल जानदे ने मैं पुछना चाहूँगा शीतल अंगराल तो पहला सवाल कि तुसीं 2.5 महीने पहला आम आदमी पार्टी चो रिजाइन किया बीजेपी दे विच शामिल होए ते जिस दिन इलैक्शन होगी उस तो उस दिन तुसीं रिजाइन करन दे 2.5 महीने बाद तुसीं आपदा इस्तीफा आपदा रेजिग्नेशन वापस लिया की साबित करना चाहते थे कि वह ये समझ चुके थे मेरा सवाल है शीतल अंगराल नूं मेरा सवाल है कि की वह समझ चुके थे 2.5 महीने बीजेपी की कैंपेन दे विच फिर के सुशील कुमार रिंकू दे नाल कि बीजेपी दे पल्ले कुछ है नहीं और उन्होंने लोगों ने जलंधर वैसे दे लोगों ने मुंह नहीं लाना तो वह बुरी तरह हारनगे बुरी तरह शिकस्त होणगे इत्थों कि इसे करके उन्होंने अपना जिहड़ा इस्तीफा सी वह वापस लिया पर खुशकिस्मती साड़ी आम आदमी पार्टी की और जलंधर वैसे दे लोकां दी कि वह इस्तीफा उन्होंने इस्तीफा वापस लैण तो 2 दिन पहला मंजूर हो चुके सीगा ते अज आम आदमी पार्टी 10 तरीक नूं जलंधर वैसे दे लोकां दे राही एक चंगा इमानदार कैंडिडेट जिहड़ा MLA बनाउण जा रही है सो मेरा पहला सवाल की कारण सीगे कि पहला तुसीं इस्तीफा दिता विधानसभा दे स्पीकर नूं मुड़ के वापस कर चल पे की तुहानूं जो जनाजा बीजेपी दा निकलण वाला है की तुहानूं भली भांति अंदाजा हो चुक्या सीगा या तुहाडियां जिहड़ियां कोई कमिटमेंटां होईयां सीगा सैटिंगां होईयां सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੀਗੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ JMM ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ JMM ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा हलके तो कांग्रेसी विधायक अभिमन्यु पुनिया ने साबका सीएम अशोक गहलोत ते साबका सीएम वसुंधरा राजे नूं लैके एक वड्डा बयान दिता है सूबे विच नवे चेहरे वजो सचिन पायलट नूं मौका देने की गल करदे उन्हें कहा कि हुण वसुंधरा राजे ते अशोक गहलोत का समा लंघ गया जनता दोवां दे चेहरियां तो अक चुकी है
विरोधी पार्टियां दे हंगामे कारण शुरू हुई लोक सभा की कार्रवाई कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे तक लिए मुलतवी की गई। इस तों बाद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा च राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद मता पेश किया। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोदी ते नेहरू बराबर नहीं हो सकते। सुधांशु त्रिवेदी ने अगे कहा कि एक वोट रमैया नूं गया, दो अचार्य कृपलानी नूं गया, बाकी सारिया वोटां सरदार पटेल नूं दित्तियां गईआं। नेहरू नूं एक भी वोट नहीं मिली, इसकी तुलना किवें हो सकती है? मोदी जी और नेहरू जी की तुलना किवें हो सकती है जो वोटां लैके प्रधानमंत्री बने ते नेहरू जी जीरो वोटां लैके प्रधानमंत्री बने। एक नेता जिसनूं पूरा देश नेता मानता सी ते एक नेता जिसनूं उसकी अपनी पार्टी नेता नहीं मानती। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने ये शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो गया कि लगातार 3री बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 3री बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए 3री बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। ये होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। खड़गे साहब दे नाल अज राज्यसभा दे विच बड़ी माड़ी हुई है। जिवें ही नीट घुटाले नूं उठाउंदे होए लोकसभा LOP राहुल गांधी दा माइक बंद करन तों बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू कीता तां राज्यसभा दे विच मल्लिकार्जुन खड़गे दा माइक भी बंद कर दिता गया। देखो किस तरह होया खड़गे दा भाषण बंद। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, क्या नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 7 साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 70। आई एम नॉट गेटिंग, नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इश्यू। नो सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, सर सर बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज 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 Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. Dr. Jitendra Singh. राजनीति नाल जुड़ी जानकारी लेके फिर रूबरू होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।